माई चैनल, मैं हूँ अभी लिप्सा। स्वागत है आपका मेरे चैनल। आज का वीडियो अगेन एक प्रोडक्ट रिव्यू होने वाला है, जो कि है ये NY Bay का आईलैंड आई लाइनर। आई होप आप लोग इसका पैकेजिंग देख पा रहे होंगे। एंड ये एक कलर काजल है, ग्रीन कलर का लाइनर है। इसमें जो शेड मैंने लिया है वो है ग्रीन मॉस। इसका 3 कलर्स आते हैं, एक ब्लैक कलर का आता है, ब्लू कलर का एंड ग्रीन कलर का आता है। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पे ब्रांड का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे लिखा है एलिस आइलैंड आई लाइनर, ठीक है। एंड इसमें शेड मैंने जैसे बताया 3 शेड है, ग्रीन मॉस मेरा शेड नंबर है। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, थिन ब्रश फॉर परफेक्ट लाइन्स, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, हाईली पिगमेंटेड, क्विक ड्राई फॉर्मूला, वाटर रेजिस्टेंट है ये एंड स्मच प्रूफ है, बट वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका जो क्वांटिटी है वो 6 ml का है। एंड इसके लिए इसका प्राइस है 149 rupees, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इजिली आपको इसके ऊपर 30-40% का डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा हमेशा ऑफर लगा रहता है, डिस्काउंट चलता रहता है। तो अगर आप इस ब्रांड के बारे में नहीं जानते हैं, तो दिस ब्रांड इज़ फ्रॉम popple.com एंड आपको ये एक्सक्लूसिवली popple.com पे मिलेगा, और कोई स्टोर पे या फिर और कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, ये ओनली popple.com पे आपको मिलेगा। एंड इसका जो सेल्फ लाइफ की बात करते हैं, तो इसका सेल्फ लाइफ है 2 years का एंड फॉर 6 ml। जैसे कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में मुझे कहीं भी पैराबेन नहीं दिखा है, तो ये सब सारे क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो जो कि और एक प्लस पॉइंट है इसके बारे में, इस ब्रांड के बारे में, ये जो सारा क्लेम किया है ये सही है कि नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आप लोग यूज़ करने से पहले इसको एक दो बार अपने हैंड्स में रब कर ले, तो मैं इसको रब कर ले रही हूँ। एंड क्योंकि ये विंटर का टाइम है तो ये थोड़ा तो ठीक हो जाता है, आप लोग जैसे जानते होंगे। एंड इसका जो लाइनर का जो ब्रश है, ये कितना थिन ब्रश है आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, वन सेकेंड, बहुत ही थिन सा ब्रश है। आप लोग इजिली इसको ठीक है, बहुत ही पतला सा ब्रश है, इजिली आप अपने आईज पे इसको यूज कर सकते हैं, मतलब लाइनर लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कलर के ऊपर एक ग्रीन कलर का लगाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे मेंशन है कि वन स्ट्रोक में सिंगल एप्लीकेशन में फुली पिगमेंटेशन देता ही है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक ही स्वाइप में इसने कितना अच्छा पिगमेंटेशन दिया है, तो ये फुली पिगमेंटेड है एंड वन स्वाइप में बहुत ही अच्छा सा आपको पिगमेंटेशन देता है। तो ये बात उसकी क्लेम की प्रूफ हो गई। एंड ये थोड़ा ड्राई होने में 10-20 seconds लेता है, बहुत ही जल्दी से ये ड्राई हो जाता है, क्विक ड्राई फॉर्मूला है एंड देन हाईली पिगमेंटेड है। हाँ, हाईली पिगमेंटेड है, थिन ब्रश है इसका, जो कि आपको इजीली ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ, क्विक ड्राई फॉर्मूला है, वाटर रेजिस्टेंस है ये एंड स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो भी हम लोग अगर इसको वाटर से वॉश करेंगे तो चला जाएगा, बट स्मच प्रूफ है ये, वाटर प्रूफ नहीं है, मैं पहले से बोल रही हूँ। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे ये अभी ड्राई हो गया है पूरा। जो इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा कलर है, ग्रीन कलर का है। एंड ये और एक बात मुझे इसके लिए अच्छी लगी, इसमें थोड़ा सा ऐसे ग्लिटरी टाइप का शाइन अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। एंड ये जो बॉटल है, इसको देखने से आपको पता चलेगा इसमें थोड़ा सा शाइनी टाइप का है। तो आई होप यू कैन सी द प्रोडक्ट। एंड मैंने अपने दोनों आईज में लगा रखा है ये ग्रीन कलर वाला लाइनर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे मैंने ब्लैक कलर का आईलाइनर के ऊपर लगाया है। अगर आप लोग इसको ओनली ग्रीन कलर का लगाएंगे तो आपका आईज बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है एंड मैं इसको अच्छे से रब भी कर रही हूँ।
ड्राई होने में 10 to 20 seconds लेता है, बट उसके बाद पूरा मैट हो जाता है। हाँ, अगर आप पानी से वॉश करेंगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है ये। तो ये हो गई इसकी बातें, एंड ये हो गया मेरा लाइनर का रिव्यू। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा फॉर द प्राइस ऑफ 149। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, आप 149 में भी लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सा डील रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अबाउट दिस छोटू सा इंस्टा आईलाइनर। ये मुझे लैक्मे का एक इंस्टा आईलाइनर आता है उसका याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इतना ही छोटा सा है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है, एंड ये जो प्रोडक्ट है ये 6 ml का है, एंड इसके पीछे इसका प्राइस मेंशन है शायद, नो इसमें कोई प्राइस मेंशन नहीं है। ये शायद 75 rupees का आता है, एंड 6 ml के लिए जो प्राइस है 75, वो बहुत ही अच्छा सा है, बट इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता रहता है। तो मुझे आई थिंक ये 55 या 56 rupees का पड़ा है, तो 6 ml के लिए 55-50 rupees बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। वो लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर जैसा है, उसका कंसिस्टेंसी जैसा है, उसका सब कुछ मुझे इसी तरीके का लगा, बस वो थोड़ा सा इससे आई थिंक इसका डबल प्राइस में आता है, तो वो 99 rupees का आता है। एंड ये आपको इजीली 56 या फिर 60 rupees के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसका भी जो कंसिस्टेंसी है वैसे ही लिक्विडी टाइप का कंसिस्टेंसी है। एंड इसका भी ब्रश की बात करें तो इतना सब थिन वाला ब्रश है, एंड ये भी वन स्वाइप में आपको फुल्ली पिगमेंटेशन देता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड ये भी ड्राई होने में 40 to 50 seconds लेता है। तो हम लोग अभी इसको देख लेंगे, इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन ये फुल्ली पिगमेंटेड है, हाँ ये दोनों फुल्ली पिगमेंटेड है। जो सारे के सारे क्लेम्स यहाँ पे किए गए हैं, वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ है, एंड थिन ब्रश है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, यानी कि जो इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है सारा क्लेम सही है। एंड मुझे पर्सनली दोनों का आईलाइनर बहुत ही अच्छा लगा। मैं एवरीडे के बेसिस पे इसको तो एवरीडे के बेसिस पे यूज कर, आपको जो भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ सारे मेरे खुद के रिकमेंडेशन पे आपको बता रही हूँ, तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये स्पॉन्सर वीडियो है। सो ये रहा मेरा आज का वीडियो अबाउट दिस लाइनर्स। सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड चलिए गाइस, मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।